स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दीपक जयसवाल ब्लॉग पर। तो कैसे हो आप सर? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। फैमिली तो फैमिली हम लोगों ने कोमल किट्टो अमित को छोड़ दिया है इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन पे, तो लोग पहुँच चुके होंगे। आपने पिछले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, आपने देखा होगा कि हमारी पूरी फैमिली पहुँच चुकी है और शायद वो लोग ये ब्लॉग आते आते तो वो लोग दिल्ली पहुँच गए होंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि वो लोग पहुँच जाएंगे और आराम से अपना हर काम करेंगे। तो हम लोग इस समय राजपूत ढाबा पे हैं और रास्ते में हम लोग को भूख लग गई थी, रात को 12 बज रहे हैं, तो हमने सोचा आशी ब्लॉगिंग क्यों ना राजपूत ढाबा से किया जाए। तो आपको अभी दिखाएंगे हम जब खाना पीना खा लेते हैं। बाकी मैंने ऑर्डर दे दिया है और यूपी और ये छोटा भाई हमारा बैठा हुआ है और दाल फ्राई और कढ़ाई पनीर और रोटी चावल मैंने बोल दिया है, तो खाने में आएगा तो हम लोग को दिखाएंगे। तो इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी प्यारी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यार देते रहना, क्योंकि आज का वीडियो जो है ना और मज़ा आने वाला है। आज हम चलेंगे घर पर, रात को 12:30 बजे इतना पहुँचेंगे और खाने का टेबल भी लग रहा है, तो घर पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखते हैं कौन क्या कर रहा है। बाकी सुबह जो होगा वो चीज़ें दिखाएँगे आप लोगों को। और भी बाहर का नज़ारा आप राजपूत ढाबा दिखा देते हैं। ये पड़ता है गोपीगंज में, हमारे भदोही ज़िला में है और काफ़ी अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट के लिए भी, फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा। भोजन वगैरह यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को, सादा शाकाहारी भोजन यहाँ मिलता है। तो यही सब चीज़ें रहेंगी, अब खाना पीना आता है फिर आप लोग से मिलते हैं। दोस्तों देखो हमारा प्लेट अभी खाली पड़ा हुआ है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब से कि भोजन आ जाए कर लें। और टाइम आपको लोग दिखा देते हैं कितना बज रहा है, टाइम का बजाय घड़ियाँ नहीं लगा हुआ है क्या? घड़ी इधर लगाए, फैमिली देख सकते हो आप लोग कितना बज रहा है। ये देखो 12 बजने वाले हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने पीने का। सलाद आके लग गया है और अभी मोबाइल चलाने में व्यस्त है। क्या करें अभी? टीम लगा रहे, टीम लगा रात को 12 बजे। अब कौन सा टीम लगाओगे, कल के लिए क्या? अच्छा, आजकल IPL भी आ रहा है तो टीम वगैरह सब लोग गठित करते हैं, ड्रीम इलेवन पे हम लोग लगाते हैं। आप लोग भी डेली खेल सकते हो, कहेंगे नहीं क्योंकि रिस्की गेम है और अपने हिसाब से आप लोग खेलिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस होटल में मुकेश खन्ना, राजा मुराद और बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान और ये हैं नरसिम्हा जी और ये दिया मिर्जा और ये आप लोग देख सकते हो फिर के रणदीप राणा और तनिषा राजन, तमाम तरह के स्टार यहाँ पे आके भोजन वगैरह कर चुके हैं। तो हमारा खाना भी इसी बीच आ गया है, भोजन तो आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या मैंने ऑर्डर दिया है। और भैया देखिए लेके आ दिए हैं, ये रहा दाल फ्राई 2 प्लेट और ये कढ़ाई पनीर साथ में रोटी। तो फैमिली खा लेते हैं, सबको पहले डिवाइड कर देते हैं, मैंने सर्व कर देते। तो फैमिली खाना मैंने सर्व कर दिया है सबको और हम लोग चलते हैं खाते पीने के बाद मिलते हैं। कैसा लगा हम लोग का ये भोजन? अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। तो ये देखिए रोटी है, ये दाल है, सही कढ़ाई पनीर है, ये हमारे भी है। A few moments later. तो दोस्तों हमने डिनर कर लिया है रात को और बहुत अच्छा टेस्टी भोजन था, तो खा लिया है और दोस्तों ये है राजपूत ढाबा जहाँ मैंने खाना पीना खा के एकदम निकल गया हूँ। काफ़ी अच्छा है, हमारी कार इधर खड़ी हुई है, यू भी पीछे बैठा हुआ है, इधर दिख नहीं रहा है।
तो मेरे दोस्तों बढ़ता हूँ घर की तरफ, क्योंकि कार हो गई रेडी और हम हो गए हैं भी रेडी। तो बढ़ते हैं घर में और बैठते हैं कार में, मिलते हैं आप घर पहुँचने के बाद। बाय बाय करते हैं यहाँ को रसूल ढाबा को और आप लोगों को भी। तो घर पहुँचते हैं, कोई जागता रहेगा तो मिलते हैं, नहीं तो फिर सुबह मुलाकात होगी। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के अंत तक, मिलता हूँ। The next day. तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया है और मैं इलाहाबाद से रात को लौट गया था, तो आ गया फिर से उसी सैलून पे अपना गेटअप चेंज करने के लिए। तो दाढ़ी बाल वगैरह बन जाता है, फिर मिलते हैं। और भाई साहब विशाल भाई जैसे हमारा गेटअप चेंज करेंगे आप लोग को दिखाएंगे, तो मजेगा हमारे साथ हमारे वीडियो में। मिलते हैं आपसे कुछ देर में भी हम। A few moments later. सुना शांति? तो दोस्तों आपने देखा दाढ़ी वगैरह बना के मतलब शेविंग करा के नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ, और ये रहा आज का हमारा लुक और ये हमारा चेहरा। तो कैसा लग रहा है अभी? इसके पहले तो देखा था कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन शेविंग कराने के बाद थोड़ा सा चमक धमक रहा हूँ। तो घर आ गया हूँ, इधर हमारी सोना परी बेटा, सोना परी पहले देख लीजिए आप लोग क्या करें। सोनू अरे बेटा बोल दो, गिर गई। और कार्तिक बेटा इधर, और आर्यन आर्यन है, आर्यन तो पूरे दिन नहा धो के एकदम भी आ गई रेडी हो गई है। हाँ अभी को मैं नहा के बाल में मेहंदी लगाई थी। तो फैमिली जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो, हमारी सभी बहनों करते हो और बन्ना जी करते हो, किट्टो करते हो, तो इनको भी इतना भी प्यार दीजिए ना। आप लोग आजकल इनको प्यार करना बंद कर दिया है। क्या करूँ मैं, प्यार के लायक नहीं। ऐसी कुछ बात नहीं है, फैमिली सपोर्ट करेगी। और फटाफट इनके भी 50,000 बहुत ज़्यादा नहीं जीते हुए, कितना हो गए हैं? कितने हो गए? 43,800 फैमिली यूट्यूब हो चुकी है। तो फटाफट इनका भी 50K करिए, फिर ये भी आगे थोड़ा बढ़ती रहे और इन्जॉय करती रहे। और हम चलते हैं किचन की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं भाभी जी हमारे लिए क्या कर रही हैं और किचन में इस समय क्या कर रही हैं दोपहर के टाइम। हाय भाऊ जी कैसी हो? हाय, क्या हो रहा है? खाया निकाल रहे थे हमारे लिए। हाँ? क्या बनाई आज? आज बनाए थे निमोना चावल। निमोना चावल दिखा दो फैमिली जरा। तो फैमिली ये रहा हमारा निमोना चावल रोटी, और साथ में हम भाभी जी, चलो भाभी जी आओ लेके। तो हम लोग चलते हैं इधर खाना पीना, भाभी जी हमारे लिए लेके आ गई है फाइनली। और अब तो अकेले अकेले बोरिंग से लग रहा होगा ना? नहीं हमको नहीं बोरिंग लगता है। नहीं लगता है, मैं तो खुश हूँ एकदम, देर आगे जाने के बाद एकदम खुश हूँ। नहीं है, खुश क्या होता है, अपनी तो आदत ही ऐसी है अकेले रहने की। हल्दी भूल गई हो क्या यार? भाभी जी ने आज खाने में हल्दी भूल गई। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है आज खाने में। ऐसा क्या गड़बड़ी भाभी ने कर दिया कि खाना देखने में अच्छा नहीं लगा? खाना देखने में अच्छा नहीं लगा, हम देख के बता दिए। हाँ कलर थोड़ा ना फीका फीका लग रहा है वो निमोना का। तो चलो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। तो आज फैमिली खा पी लेते हैं, फिर मसाला मम्मी पीसी थी ना तो हमको लगा डाली होंगी, ध्यान नहीं दी। और इसका इधर भी ध्यान रहता है ना, दोनों तरफ ध्यान था। सही बात है। तो फैमिली खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि भाभी जी खाना में भूल गई थी हल्दी डालना, और अभी मम्मी नहीं आई थी, स्कूल ही थी, और हम चले हैं शॉप पे। घर पे मम्मी जब आई होंगी पता नहीं क्लास ली होंगी नहीं ली होंगी, अब भूल गई तो हल्का फुल्का चलता है। अगर आज भूल गई है तो कल याद आ जाएगा। कभी कभी होता था मतलब लेडीज़ खाना बनाती हैं तो कोई चीज़ भूल जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ याद रहे और हर चीज़ भुला जा सके। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो का भी लोग ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं आप लोग से एक अच्छे नए वीडियो साथ। बाय बाय करते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू।